हेलो स्टूडेंट, मैं ऐसे बिंदु पलक से डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है सीड जर्मिनेशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सीड जर्मिनेशन क्या होता है। सीड के अंदर इंडियो स्थित होता है या सक्रिय अथवा निष्क्रिय दोनों ही रूप में से कोई एक स्वरूप में हो सकता है। ठीक है, निष्क्रिय एम्ब्रियो जो है डोरमेंसी के क्रम में सीड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सीड अंदर स्थित इसी एम्ब्रियो से जर्मिनेशन के फलस्वरूप नया पौधा डेवलप होता है। ठीक है, अनुकूल कारकों एवं परिस्थितियों की उपस्थिति में सीड के अंदर स्थित एम्ब्रियो का सक्रिय तथा विकसित होकर नए सूट एवं नए रूट सिस्टम के रूप में डेवलपमेंट की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि सीड के जर्मिनेशन के पश्चात नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जर्मिनेशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। ठीक है, प्लांट्स में दो प्रकार का जर्मिनेशन पाया जाता है, एक तो है हाइपोजियल जर्मिनेशन और दूसरा है एपिजियल जर्मिनेशन। सबसे पहले देखते हैं हम लोग हाइपोजियल जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन का वह प्रकार जिसमें जर्मिनेशन के बाद कॉटिलीडिन भूमि के ऊपर नहीं आते और जर्मिनेशन में इम्ब्रियो की एक्सिस का रेडिकल शीघ्रता से डेवलप होकर रूट और ट्यूमर डेवलप होकर सूट बनाता है। ठीक है, और हाइपिकोटाइल क्षेत्र में वृद्धि नहीं होने के कारण कॉटिलीडिन जमीन की सतह के नीचे ही रह जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। ये एपिकोटाइल क्या करता है, सूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और रेडिकल से रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं इसमें इस प्रकार का जर्मिनेशन पाया जाता है ग्राम में, पी में, मेज में, मैंगो, जैकफ्रूट, पैडी, वीट, कोकोनट और डेट पाल्म में क्या हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एपिजियल जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन का वह टाइप जिसमें जर्मिनेशन के क्रम में हाइपोकोटल क्षेत्र में तेजी से होने वाले ग्रोथ एवं इलोंगेशन के कारण कॉटिलीडिन सॉइल सरफेस से क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद ही प्यूमिल की सक्रियता जो है वो सूट फॉर्मेशन हेतु शुरू होती है, तो उसे क्या कहते हैं, एपिजियल जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, इस क्रम में हाइपोकोटाइल पहले आर्च के रूप में डेवलप होता है तथा उसके सीधा हो जाने की स्थिति में कॉटिलीडिन जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, कॉटिलीडिन जो है वो क्लोरोफिल के सिंथेसिस पश्चात पहली दो लीफ के रूप में डेवलप होता है, जिसे कॉटिलीडिन लीफ कहते हैं। ठीक है, ट्रू लीव्स के बन जाने पर यह सूखकर क्या हो जाता है, झड़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, दो लीफ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कॉटिलीडिन के टू लीफ का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जैसे ही क्या होता है, नए लीफ का फॉर्मेशन होता है ट्रू लीफ का, ये जो कॉटिलीडिन लीफ होता है वो क्या हो जाता है, सूख के झड़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार का जर्मिनेशन किस में देखने को मिलता है हमको, कैस्टर में। ठीक है, जर्मिनेशन के दोनों टाइप में सबसे पहले रेडिकल से रूट सिस्टम के डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद ही प्रिमूल द्वारा सूट सिस्टम के डेवलपमेंट एवं ग्रोथ की शुरुआत होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ सीड जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन का प्रारंभ सीड द्वारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी को पुनः पा लेने से होता है। ठीक है, जिसमें इम्बिबिशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप पानी का सीड्स में पहुंचने की क्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इम्बिबिशन द्वारा पानी की उपलब्धता सीड के अंदर हो जाने से सीड में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति परमीबिलिटी जो है वो
काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है। ठीक है, वाटर के अब्जॉर्प्शन के फलस्वरूप सीड के एम्ब्रियो और अन्य टिश्यू में हाइड्रेशन होता है और उससे सीड के इंटरनल टिश्यू में ज़्यादा और सीड कोट में अपेक्षाकृत कम फुलाव पैदा होता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप सीड कोट अपने माइक्रोफाइल क्षेत्र से फटता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक सेल्स के प्रोटोप्लाज्म में हाइड्रेशन के फलस्वरूप पुनः एक्टिविटी आ जाती है और आवश्यक मेटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ठीक है, हाइड्रेशन के बाद विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स की एक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, क्योंकि जर्मिनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत बिना एंजाइम्स के संभव नहीं होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन में हमेशा सीड्स में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, हाइड्रेशन की क्रिया के पश्चात सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, प्रारंभ में सीड जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया से अपनी सक्रियता में विस्तार करता है। ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में सीड्स के अंदर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है। डोर्मिनेंट सीड्स के माइटोकॉन्ड्रिया में अत्यंत या अल्प विकसित होते हैं। ठीक है, और जर्मिनेशन की प्रक्रिया के एनारोबिक रेस्पिरेशन की स्थिति में प्रारंभ होने के बाद बनते हैं। ठीक है, क्रिस्टी के डेवलपमेंट के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, और यही क्या करती है, सुचारू रूप से चलने लगती है। ठीक है, रैपिड मेटाबॉलिक एक्टिविटी के आवश्यक आधार सबस्ट्रेट स्टोरेज प्रोडक्ट के रूप में होते हैं और प्रायः मोनोकोटिलेडन सीड्स में, एंडोस्पर्म में और डाइकोटिलेडन सीड्स के कोटिलेडन में पाए जाते हैं। ठीक है, स्टोरेज फूड मटेरियल लिपिड्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में सीड्स की विभिन्नता के अनुसार सीड में ही होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन फूड स्टोरेज का हाइड्रेशन होता है और उसके बाद उसका उपयोग जो है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस के सेल्स द्वारा ग्रोथ एवं मेटाबॉलिक प्रोसेस के संचालन हेतु किया जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के कारण संभव होती है। ठीक है, इन एंजाइम्स में एमाइलेज प्रोटीएज लाइपेज और न्यूक्लियस जो है वो प्रमुख होते हैं जो कि स्टार्च को सोल्यूबल शुगर में, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में, लिपिड्स या फैट्स को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में और न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में विघटित करने का कार्य करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जर्मिनेशन के क्रम में विभिन्न भोज्य पदार्थों के विघटन तथा गतिशीलन के फलस्वरूप जटिल से सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, गतिशीलन की प्रक्रिया विभिन्न भोज्य पदार्थों के संदर्भ में क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट। जर्मिनेशन के क्रम में अल्फा एमाइलेज तथा बीटा एमाइलेज एंजाइम के कारण कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, जो कि इम्बिबिशन की प्रक्रिया के होते ही प्रारंभ होती है। ठीक है, और क्रमशः आगे बढ़ती रहती है। सीड के एंडोस्पर्म में बीटा एमाइलेज से ही उपस्थित होता है। ठीक है, जो कि जर्मिनेशन के समय सक्रिय हो जाता है और इम्बिबिशन के बाद अल्फा एमाइलेज सिंथेसिस होता है। ठीक है, इम्बिबिशन के कारण एम्ब्रियोनल एक्सिस द्वारा जिब्रेलिक एसिड सिक्रीट होता है जो कि अल्फा एमाइलेज के समस्त सिंथेसिस की प्रक्रिया को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इन एंजाइम्स की सक्रियता से कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन से बनने वाला माल्टेज एंजाइम की सक्रियता के फलस्वरूप ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया मोनोकोटिलेडन सीड जैसे कि वीट, मेज और बार्ली आदि में देखने को मिलता है। ठीक है, डाइकोटिलेडन सीड्स में अल्फा ग्लूकोसाइड्स नामक एंजाइम के द्वारा माल्टोज का कन्वर्सन ग्लूकोज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लिपिड्स और फैट्स। लिपिड्स या फैट्स, फैट युक्त सीड्स में जर्मिनेशन के क्रम में न्यूट्रल पीएच पर लाइपेज एंजाइम्स की उपस्थिति में लिपिड का विघटन। ठीक है,
फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में होता है। यह ग्लिसरॉल जो है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदल जाता है। ठीक है, ग्लिसरॉल क्या करता है, ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में एटीपी का यूज़ करके एडीपी का फॉर्मेशन करता है और क्या बनाता है, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करता है फिर, ग्लिसरोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में एनएडी का यूज़ करके एनएडीएच2 बनाता है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया द्वारा विघटित होता है अथवा ग्लाइओक्सिलेट साइकिल द्वारा सुक्रोज में बदल जाता है। ठीक है, ग्लाइओक्सिलेट साइकिल के दो एंजाइम जैसे आइसोसाइटिक सिंथेटेज और मैलेट सिंथेटेज मैच्योर सीड्स में जो अब्सेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जर्मिनेशन के प्रारंभिक स्टेज में काफ़ी तेजी से सिंथेसिस होते हैं। ठीक है, इन सभी एंजाइम्स का सिंथेसिस तभी स्टिम्युलेट होता है जब एम्ब्रियोनल एक्सिस से जिब्रेलिस एसिड उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जिब्रेलिक एसिड की उपस्थिति में ही जर्मिनेशन के क्रम में पेप्टिडेज या इसी प्रकार के अन्य प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और प्रोटीन को अमीनो एसिड एवं एमाइड में अपघटित करता है। यह एमिनो एसिड और एमाइड्स स्थानांतरित होकर एम्ब्रियोनल एक्सिस में पहुंचते हैं और इनका उपयोग नए प्रोटीन सिंथेसिस में अथवा डीएमिनेशन के बाद ऊर्जा प्रोडक्शन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। स्टोरेड फूड मटेरियल युक्त सेल्स में उपस्थित डीएनए या आरएनए की मात्रा में जर्मिनेशन की क्रम में प्रायः कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जर्मिनेशन के क्रम में प्रारंभिक दिनों में स्टोरेड टिश्यू की सेल्स में डीएनए आरएनए की मात्रा जो है वो घट जाती है और लगभग उतनी ही मात्रा एम्ब्रियोनल एक्सिस में बढ़ जाती है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मात्रा में बढ़ोतरी माइटोटिस डिवीजन से संबंधित स्टेज में उपयोग की जाती है और तीव्र दर से विभाजन को संभव बनाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, सीड्स में फास्फोरस फाइटिन के रूप में स्टोर होता है और उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम और मैग्नीज जैसे न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, यह प्रोटीन से सहसंबंधित होता है। ठीक है, फाइटेज नामक एंजाइम सीड्स में जर्मिनेशन के क्रम में क्रियाशील होता है जिसके फलस्वरूप उपयुक्त मात्रा में फास्फोरस कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम आदि उपलब्ध होते हैं। ठीक है, फाइटिन सीड्स में फास्फोरस के सोर्स के रूप में फास्फोरस पूल की तरह कार्य करता है। ठीक है,